कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पूर्व सदस्य जगमीत सिंह बराड़ ने अकाली दल की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने की किसी भी संभावना से मना किया है। जगमीत बराड़ ने कहा कि वे बिना शर्त अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। उनका फिरोजपुर या बठिंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जगमीत बराड़ 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे बकायदा अकाली दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल और प्रधान सुखबीर सिंह बादल मुक्तसर जिले के गाँव चक्केवाल में स्थित जगमीत बराड के निवास पर जाकर उनको अकाली दल में शामिल करेंगे। इस मौके पर बड़ी गिनती में जगमीत बराड के समर्थक और अकाली दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। जगमीत बराड की पारिवारिक पृष्ठभूमि अकाली दल की रही है। उनके पिता गुरमीत सिंह बराड अकाली सरकार में मंत्री भी थे। जगमीत बराड ने राजनीति का क्या कह गए अपने पिता गुरमीत सिंह बराड से ही सीखा। मुक्तसर के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जगमीत सिंह बराड सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रधान चुने गए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जगमीत बराड को छात्र नेता के रूप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। पेशे से वकील जगमीत बराड बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद जगमीत बराड का पूरा इतिहास अकाली दल और बादल परिवार के खिलाफ संघर्ष का रहा है। जगमीत बराड ने अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कई चुनाव लड़े। 1999 में जगमीत बराड ने सुखबीर बादल को फरीदकोट लोकसभा सीट से हराकर अपना दम दिखा दिया था। अकाली दल की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर जगमीत बराड को कई बार गिरफ्तार किया गया। 1979 से 1980 के बीच जगमीत बराड को 7 महीने तक बठिंडा जेल में रखा गया था। जगमीत बराड के खिलाफ फरीदकोट जिले के किसानों को आंदोलन के लिए भड़काने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। 2015 में कांग्रेस से बाहर आने के बाद जगमीत बराड को कोई सम्मानजनक ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जगमीत बराड आम आदमी पार्टी के संपर्क में थे। चुनाव से ठीक पहले जगमीत बराड तृणमूल कांग्रेस में चले गए। जगमीत बराड द्वारा तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी उतारे गए थे, लेकिन उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया था। लोकसभा चुनाव से पहले जगमीत बराड की कांग्रेस में वापसी की बात भी चली थी, लेकिन इस पर भी वीटो लगा दिया गया। पंजाब की राजनीति में अकाली दल और बादल परिवार की स्थिति भी बेहतर नहीं है। परिवारवाद के आरोप लगाकर प्रकाश सिंह बादल के पुराने साथी छोड़कर जा चुके हैं। रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा के टकसाली अकाली दल ने पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होकर तीसरे मोर्चे की राजनीति को बल दिया है। बैवल कलां गोलीकांड की जांच की तपिश सीधा बादल परिवार तक पहुंच रही है। विरोधी डेरा सच्चा सौदा और बादल परिवार के संबंधों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गांवों में अकाली दल और बादल परिवार के सदस्यों का काली झंडियों से स्वागत किया जा रहा है। इस हालात में इन दो कट्टर विरोधियों का हाथ मिलाना हैरान करने वाला नहीं है। जगमीत बराड फिरोजपुर लोकसभा सीट से 3 चुनाव हार चुके हैं। पहला चुनाव जगमीत बराड 1991 में अकाली दल अमृतसर के ध्यान सिंह मान से हारे थे। उसके बाद 2004 में अकाली दल बादल के जोरा सिंह मान और 2009 में शेर सिंह गोबाया से जगमीत बराड को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जगमीत बराड के अकाली दल में शामिल होने की खबर आते ही उनके फिरोजपुर से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन इन सभी कयास अराइयों पर विराम लगाते हुए जगमीत बराड ने चुनाव लड़ने की किसी संभावना को नकार दिया। जगमीत बराड ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वह केवल अकाली दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार ही करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।